हेलो गाइस, आज हमारा थर्ड डे है पौंडीचेरी में और आज हम आए हैं ऑरोविल, जो यहाँ का एक फेमस विलेज कह लो, जहाँ पे लोकल सब ग्रो किया जाता है और लोकल ही उसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और साथ में यहाँ पे एक फेमस मैत्री मंदिर है जो अभी हम जाएंगे और फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। कम ऑन, तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, ये ऑरोविल एक ऐसा शहर है जो कि एक शहर ना होकर रिसर्च सेंटर की तरह है, जहाँ पर कई नेशनैलिटीज़ यानी कि कई कई कंट्रीज से लोग आकर बसे हुए हैं, जो अपने अपने हिसाब से कुछ भी करते हैं और सिर्फ मदर नेचर के लिए करते हैं। थोड़ी सी पॉपुलेशन है यहाँ की और ना कोई यहाँ पर लॉ चलता है, ना कोई रेसिज़म है, ना कोई रिलीजन है, और बहुत ही डिफरेंट यहाँ का एक एटमॉस्फेयर है। तो चलते हुए हम यहाँ के जो रिसर्च सेंटर में पहुँचे और ये बिल्कुल एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस, ये इस तरह का हमें यहाँ पर ये म्यूज़ियम टाइप देखने को मिला, जहाँ पर कि सारा जो डिटेल लिखा हुआ था वहाँ का उस विलेज के बारे में, और यहीं से ही हमें यहाँ के एक फेमस मंदिर जो कि मैत्रेय मंदिर है उसके पासिस भी हमें यहीं से कलेक्ट करने थे। तो यहाँ से पासिस लेकर के फिर हम चले मैत्रेय मंदिर की ओर। इस मंदिर में जाने के लिए हमें या तो साइकिल पे हम जा सकते हैं या फिर हमें पैदल ही जाना पड़ता है। तो लगभग आधा घंटा हमें लग गया पैदल जर्नी हम करते हुए, और इस बहुत ही सुंदर बहुत ही आकर्षक जगह पर हम पहुँचे जो कि एक फेमस मंदिर है। यहाँ ये फेमस है मेडिटेशन के लिए। यहाँ भी कोई धर्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, सिर्फ जो है लोग यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए पहुँचते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर एक था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है मैत्रेय मंदिर, लेकिन हमारे साथ ये एक बैड पार्ट कह लो वो रहा कि ये मंदिर अंदर से हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि कोविड की प्रोटोकॉल की वजह से इसको क्लोज करा हुआ था। बट इसके आसपास का जो माहौल था वो बहुत ही सुंदर था, तो लग रहा था कि मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छी प्लेस है। ये ग्रीनरी है सब तरफ और एक रिवर भी उसके साइड में बह रही है, तो बहुत ही ओवरऑल एक गुड एक्सपीरियंस था यहाँ विजिट करना। मंदिर देखने के बाद ये पास में ही जब हम वापस आते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी सी एक जगह है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, वो अपनी चीज़ें बनाते हैं।
ये जैसे कि आप देख रहे हैं आर्टिजन्स का ये एक पॉइंट है। यहाँ पर आपको पोट्री, आपको बुक शॉप्स, आपको कई तरह की आपको जो है उनकी शॉप्स और लोकल जो भी लोग हैं वहाँ के वो देखने को मिलेंगी। अब तक शाम हो चुकी थी और धूप भी बहुत ज़ोर से लगी हुई थी, तो यहाँ पर दो तीन प्लेसेस हमें देखने को मिली जो मैं आपको बता दूँगी। तो ये है टेंटो कैफ़े, यहाँ पर भी हमें अंदर कुछ हैंडीक्राफ्ट मटेरियल देखने को मिला। तो इस तरह से ये हमारा आज की यहाँ की शाम बहुत अच्छी निकली। ऑरोविल में एक बीच भी है, वहाँ भी हम गए, बट हमें वो पर्सनली थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। उससे बेटर हमें अपना रिजॉर्ट का जो प्राइवेट बीच था वो बहुत ही पसंद था। हमने हर शाम ऑलमोस्ट यहीं पे बिताई। तो ये मैं आपको अपने होटल का प्राइवेट बीच दिखा रही हूँ। बहुत ही यहाँ पे अच्छा पानी और क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह से हमारी ये आज की शाम बीती। तो उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आए, और अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और देखते रहिए पैम्स किचन। फिर मिलते हैं एक नई जर्नी के साथ। थैंक यू सो मच।